ये जगह है पीर निगाह। हम पीर को भी काफी मानते हैं। वैसे सारी जगह पीर निगाह है, पीर बाबा जी का मंदिर है, जिसको पता होगा, जिनको पता होगा, वैसे तो सभी को पता होगा कि पीर निगाह कहाँ पर है। सो ये उन्ने से आगे ही है। यार ये देखो, पार्किंग लेने पर प्रसाद फ्री, प्रसाद फ्री नहीं 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 प्रसाद लेने पर पार्किंग फ्री। ऐसे यहाँ पर मस्त पार्क हो गई गाड़ी। और ये देखो गाड़ी खड़े हैं, यहाँ पर रूम्स वगैरह भी हैं, सब कुछ है। पीर निगाह वाली जगह काफ़ी मस्त जगह है यार, हिमाचल में तो काफ़ी मस्त मस्त जगह। सो ये देख लो यार, किसी ने पार्किंग लेनी हो ना पीर निगाह आ गए तो यहाँ पर ले लेना। ये दुकान होगी और ये रास्ता, और यहाँ पर पार्किंग, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रसाद लेने पर पार्किंग फ्री। सो पीर निगाह का रास्ता ये वाला पीर निगाह का रास्ता है मंदिर, पीर निगाह मंदिर। इधर भी कैमरे लगे हुए हैं। नकोदर की जगह ना वैसे सेम टू सेम यही है, देखो जोड़ा घर भाई। भाई देखो बाबा जी गैर मिल पीरू भाई, भाई वाहेगुरु सतना वाहेगुरु गुरु नानक देव जय। भाई देखो सेम जैसे नकोदर की जगह ना सेम टू सेम वैसे ही है। सुबह का टाइम है ना, नहीं तो यहाँ पर भीड़ बड़ी होती है, इन लाइनों में लगना पड़ता है। देखो कल भी हम बाबा बालकनाथ गए थे तो लाइनों में नहीं लगना पड़ा था हमें, खाली था। ये देखो आज भी खाली है। ना भीड़ होती है यहाँ पर, भीड़ होती है ना। ये देखो खाली है, ये देखो यहाँ से जाना पड़ेगा, ये सारी भीड़ होती होगी यहाँ से। ये देखो सारी भीड़ होती होगी यहाँ पर ना। देखो ये पीर निगाह का, मैं यहाँ पर जब मैं 2 साल का था ना, छोटा सा था, पिद्दू सा, तब आया था मैं सारी जगह ना। जब मैं पिद्दा था ना, जब मैं छोटा सा था ना, मैं सारी जगह तब आया था, मम्मी डैडी लेकर आए थे। तो ये सारी जगह खाली है इस टाइम, नहीं तो ये भरी होती है, दोपहर का टाइम होता ना तो भरी होगी। तो ये देखो यार, ये पीर बाबा जी, जो पीर बाबा जी को मानता ना वो यार सब्सक्राइब कर लो भाई। देखो ये जोत है, ये पीर निगाह का मंदिर, जिसने नहीं ना देखा, मैंने भी नहीं देखा था जब मैं छोटा बच्चा था तब देखा था। देखो पीर निगाह का मंदिर मैंने आज देखा है। ये देखो यार पैरो बाबा जी, जा थोड़ा मैं थोड़ा। ये देखो ये भोलेनाथ जी, काली माता जी, सारे भगवान, राम लक्ष्मण सीता, बाबा बालकनाथ जी, गणेश भगवान जी, देखो सारी मूर्तियाँ होनी। ये पीर निगाह, जिसने पीर निगाह नहीं ना देखा, राम लक्ष्मण सीता, हनुमान, काली माता, भोलेनाथ, बाबा गणेश भगवान जी, डीड सिद्ध बाबा जी। जय हनुमान। ऐसे यहाँ पर मौलियाँ बांधते हैं मौलिया, फोन ना कैप्चर नहीं कर पा रहा, काफ़ी काफ़ी नेक्स्ट लेवल व्यू है इस यहाँ पर। देखो पहाड़ देखो, देखो ये देखो भाई, फोन चार्ज नहीं कर पा रहा भाई। जय हो अपने जय पीर। बाबा बड़वार सिंह जा रही हूँ, सामने से देखो गैस बस भी आ रही है, दिखा बस। गैस जब छोटे छोटे होते थे ना दोनों भाई, तो मैं इनको लेकर आई थी जहाँ पे,
जहाँ पे जो भी आता है उनकी सुखने पूरी हो जाती हैं। जो माँ माँ बहन सुखन करती है ना, मेरे को भाई चाहिए, माँ चाहे कहती है कि मेरे को बेटा चाहिए, मिल जाता है। वो सभी जा रहे हैं जातरू मत्था टेकने के लिए। जो शुरू से बाबा बा बड़वार सिंह मैडी वाले सोडी साहब बाबा जी यहाँ पे आए थे, यहाँ पे नहाए थे, नहाने के बाद ऊपर चले गए थे। ऊपर दिखाते हैं ऊपर मंदिर है कितना बड़ा। 13 साल के बाद चली हूँ इनको लेकर, लेट ही चली हूँ पर चली हूँ। सारा कच्चा रोड है सिया बाबा बड़वार सिंह, यहाँ पर पहुँचना हमने। और गाइस काफ़ी अच्छी वैली है, देखो सारी गाड़ियाँ यहाँ पर आई हुई हैं और यहाँ पर पहले लोग आते हैं नहाने के लिए, क्योंकि इतनी अच्छी वैली है। और गाइस यहाँ पर ना पार्किंग मिलना काफ़ी मुश्किल है, और हमने यहाँ पर प्रेफर कर लिया गाड़ी अपनी। सो ये देख सकते हो सारा सिस्टम, वहाँ पर ना लोग ना जा रहे हैं नहाने के लिए, तो सारे लोग ना बड़ी दूर दूर से यहाँ पर नहाने के लिए आते हैं। और ये देखो पार्किंग, देखो यहाँ से आ रही गाड़ियाँ, यहाँ से भी आ रही गाड़ियाँ, हम यहाँ से आए हैं। ये नारसिंह भगवान जी का मंदिर है, हमने नहा लिया करके दुख दूर हो जाता है। जब बाबा बड़वार सिंह ने बोतल में बंद किया था ना नारसिंह बाबा जी, उन्होंने कहा कि मेरे को छोड़ दो, बोलते नहीं मैंने नहीं छोड़ना। जब एक शर्त रखी थी, जो भी दुख आएगा मीठा पानी। वही देखो ये वैली है ना, पहाड़, और यहाँ पर ना दुकानें भी हैं, कैंटीन वगैरह, और ये सारी वैली है। देखो पहाड़ों के बीच में है ये जगह, पहाड़ों के बीच में है ऐसे। ये मंदिर था नारसिंह भगवान जी का, नारसिंह जी का मंदिर था ये, और अभी जाना ऊपर। बस फाइनली अब यहाँ से निकलने लगे हैं, उस साइड हमने नहाया है और वहाँ पर हमने माथा टेका, और अब ये जो रास्ता दिख रहा है हमने यहाँ से जाना, वो देखो गाड़ी आ रही है ना, यहाँ से जाना, फिर अभी हमने ऊपर माथा टेकना। सो ऊपर कौन सी जगह, फिर मैं ऊपर पहुँच के बताता हूँ कि ऊपर कौन सी जगह कहाँ पर माथा टेकना। सो अभी चलते हैं। बस अभी हम यहाँ पर पहुँच गए हैं, और देखो पार्किंग गाड़ियों की, बट ये वाली पार्किंग फ्री है। और ये है मैड़ी बाबा जी, बाबा बड़वार सिंह है गाइस, ये सारी जगह बाबा बड़वार सिंह वाली है। यहाँ पर मैं कभी नहीं आया हूँ ना, फर्स्ट टाइम आया। सो यहाँ पर माथा टेकना है, फिर हमने निकलना है आगे को। सो जैसे जैसे आगे का ब्लॉग बनेगा वैसे वैसे मैं दिखाता चलूँगा, सीधा नहीं बताऊँगा कि क्या है कहाँ है, बट ये है बाबा बड़वार सिंह वाली जगह। तो गाइस अगर कोई बड़वार सिंह आता है तो यहाँ से जाना पड़ता है। ये देखो ये है बड़वार सिंह बाबा जी का गेट, और ये झंडा। वैसे फ़ोन की बैटरी भी कम है, अंदर फ़ोन भी अलाउड नहीं होगा शायद। जैसे ये बाबा बड़वार सिंह वाला गेट, तो यहाँ से आना पड़ेगा अगर कोई आता है। यहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं सारे साइड में, शायद अंदर कैमरा अलाउड नहीं होगा। तो वैसे ये पेड़ ना, इसका नाम है बैरी, यहाँ इसके नीचे बाबा जी बैठे थे, बाबा बड़वार सिंह जी।